अनिल शर्मा जिंदाबाद 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 अनिल शर्मा जिंदाबाद 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 अनिल शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनिल सिंह विक्रम के पूर्व विधायक हैं, तीन बार विधायक रह चुके हैं। इस बार जो है वो सीट जो है बीजेपी की तरफ से अतुल कुमार को चला गया। इस वक्त आप धरना बैठे हुए हैं, कहा जाता है कि बीजेपी सर्वे कराती है, उस आधार पे टिकट बांटती है, क्या आप सर्वे में फेल रहे हैं? क्या सर्वे में 100% फेल है? आप फेल है? मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ पार्टी के सारे नेताओं को, आपको भी कह रहा हूँ, सारे मीडिया को मैं कहा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसी गांव में किसी व्यक्ति से पूछ लें कि कांग्रेस को कौन हरा सकता है। अगर अनिल कुमार के अलावा अगर कोई नाम ले लेगा कि दूसरा कोई हराया जाएगा तो मैं गुलामी ले लूँगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को मीडिया के, आप भी जाके पूछ लीजिए। मैं हारने के बाद ही 5 साल का भी चैन भी नहीं रहा। आप पूछिए PMCH के डॉक्टर हों, एम्स के, आज दिल्ली में दिल्ली 5-7 घंटे हॉस्पिटल, पर्व त्यौहार में नहीं रहता, इसी होली में लोग होली मनाता है। और अदला गांव है नौतपुर में, दो जादव का लड़का का माता पटाता, मैं दिन भर हॉस्पिटल में था, होली के दिन भी मैं नहीं रहता हूँ। इसलिए मैं चैलेंज करता हूँ, 5 साल मैं खटा हूँ, और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो पार्टी के अच्छे अच्छे पद पर रहे हैं लेकिन काम से कोई मतलब नहीं रहा है, जनता आपको बता सकती है। दुर्भाग्य है, पूरे विक्रम की जनता शोक के लहर में है, भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास हट गया है। बड़ी अच्छा भाजपा के नेता के लोग हम ही मानते थे, सब लोग मानता था, ये जो घटना हुआ इससे सारे लोगों का विश्वास उठ गया है। एक हत्या जैसा कदम उठाने का भाजपा के नेताओं ने। आपको क्या लगता है क्यों आपका टिकट काटा गया? अब हम बताएं ना, कहावत है ना कि नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले भी बन जाता है, भाजपा पर वहाँ नाश छाया हुआ था, बुद्धि मर गया, मैं क्या कहूँगा। कहावत है ना, काल घेरे विपरीत बुद्धि। अब क्या दिमाग में लोगों का आया, एक जिसको मैं जवान जब कर देना भाजपा को फिर भी नहीं बुझाया कि अभी उस व्यक्ति एक कदावार नेता थे और आज उनके सामने जो है जीरो हैं, कितना वोट आएगा इनको समझ लीजिए। पार्टी को थोड़ा भी बुद्धि रहता, मैं समझता हूँ इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने बड़ा मंत्री हैं, MP हैं, बताइए ये सारे खुद जाके पूछ लेते, किसी को आप ही जाके पूछिए ना। अगर कह दिया कोई व्यक्ति कि अनिल कुमार के अलावा कोई कांग्रेस को हराएगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूँगा। बिल्कुल, हमने देखा है अनिल शर्मा लॉकडाउन में भी लोगों को जिस तरीके से लोगों के साथ खड़े रहे। क्या लगता है विक्रम की जनता जो है अतुल कुमार को स्वीकार करेगी क्या? अतुल कुमार बोले चले यार, मैं कहना चाहता हूँ कि अतुल कुमार लॉकडाउन में एक भी दिन गए होंगे वहाँ क्षेत्र में, तो मैं गुलाम नहीं दूंगा। और मैं कितने मरीज को गाड़ी पर अपने लाद करके पटना ले गया, इलाज करा करके, ऑपरेशन करा करके मैं घर पर अपने गाड़ी से पहुँचाने गया। यहाँ तक कि विक्रम का बिजली मिस्त्री शिव प्रसाद महतो था, 2 बार तो मर गया, उसका बेटा फ़ोन किया कि मर गया, कि खुद गाड़ी ड्राइव करके मैं पहुँच गया SS हॉस्पिटल अनिशाबाद, कोई गाड़ी नहीं था, अपने गाड़ी पर मैं डेड बॉडी लादा, कोई नहीं था मेरे साथ, अकेले गाड़ी ड्राइव करके मैं लाश पहुँचाया, कोई लाश पहुँचाएगा क्या 2 बजे रात में कोई विधायक? इसलिए जो मैं सेवा किया हूँ, यही वो कुंजवा के रामाशंकर जादव लड़का था, पैर से रात भर ब्लीडिंग हो रहा था, जादव का लड़का था ना, छटपटा रहा था, मैं गाड़ी पर ले गया, 13 दिन इलाज करा के मैंने अपने गाड़ी पर उसको घर पहुंचा दिया। कई मरीज को, एक चंदन जादव बेदौली का है, कहा कि पत्नी जल गई, खून गए, मैंने खून लेके पहुंचाया। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हमने भी देखी है, लेकिन अब अगला कदम आपका क्या होगा, क्या निर्दलीय लड़ेंगे? अब अगला कदम जो देखिए, विक्रम को मैं मंदिर मानता हूँ, विक्रम को मैं मंदिर मानता हूँ, वहाँ के जनता को मैं भगवान मानता हूँ, उसी को मैं पुजारी हूँ। अब हमारे भगवान, हमारे मालिक का जो आदेश होगा वही मैं करूँगा। लड़ाई किससे होगी? लड़ाई तो हमको कांग्रेस से होगा, सिद्धार्थ से होगा, इनसे तो कोई लड़ाई नहीं है। अरे इनके गांव के लोग शोक मना रहा है, आप पूछिए अतुल कुमार से, उनके गांव के लड़का फोन करके कहा है कि आपको टिकट मिलने से पूरे गांव में शोक, जिस आदमी मरता ना है उस शोक के लहर, ये वर्ड कहा है, मैं चैलेंज करता हूँ, पूछिए अतुल कुमार से। यहाँ जो लोग आए वो बोल रहे हैं कि पैसे पर टिकट बेचा गया है। हो सकता है जब ऐसा व्यक्ति को देना, लोग आश्चर्य कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। पूरा क्षेत्र आज शोक के लहर में है, विक्रम विधानसभा क्षेत्र, कि कैसे हो गया, यह अन्याय कैसे हुआ, भाजपा को लोग अच्छा मानता था लेकिन भाजपा ने जो किया सब लोगों का विश्वास उठ गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग भी हैं यहाँ, उनसे भी जानते हैं। क्या लगता है विक्रम की जनता क्या चाहती है? विपक्ष को जिताने के लिए हमारे विक्रम के जो पूर्व विधायक थे उनको टिकट काटा गया है, और इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। मतलब विपक्ष को जिताने के लिए किया गया है और कोई बड़ी बात नहीं। क्या लगता है अनिल शर्मा? अनिल शर्मा 100% जीतेंगे, ये पूरी विश्वास के साथ मैं कहता हूँ। मैं सिंबल नहीं, हमें आदमी चाहिए जो दिन रात हमारे साथ खड़ा है, और हमें कुछ नहीं। अतुल कुमार को वोट नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं कह रहे अतुल कुमार की जब हम जानते नहीं है तो उनको वोट देंगे कैसे? ये तो भाजपा वाले की सोचना चाहिए था कि जो उम्मीदवार 3 साल एक क्षेत्र से जीता है उसको टिकट देना चाहिए था, तो उनको न दे करके वो दूसरा एक अनजान व्यक्ति को दिए हैं। अतुल कुमार कहते हैं कि संगठन के लिए बहुत कुछ किया। अतुल कुमार ने कुछ नहीं किए, उनको विक्रम क्षेत्र में कोई नाम ही नहीं जानते। आप जानती हैं? हम नहीं जानते अतुल कुमार को। हमने कल जाना है कि एक अतुल कुमार भी है हमारे विक्रम क्षेत्र में, इससे पहले तो हम अनिल शर्मा को ही जानते थे। बिल्कुल युवा भी है, लगातार जोश के साथ नारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे अतुल कुमार को टिकट चला गया विक्रम से? अतुल कुमार को टिकट चला गया, अतुल कुमार को कोई जनता उनके क्षेत्र में पहचानती नहीं है, और हम लोग यही कहेंगे इस बार अनिल कुमार खड़ा हो रहे हैं विक्रम से, निर्दलीय खड़ा होंगे। हाँ, और इनकी जीत, हाँ हाँ पूरा जाएगा, पूरा उनकी जीत पक्की है 100%। बिल्कुल, जो लोग यहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर है, जो लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए, इनका कहना है कि अतुल कुमार जिनको टिकट दिया गया है विक्रम से, विक्रम की जनता उनको जानती तक नहीं है। यहाँ तक कि हमने दिखाया है कि जिस तरीके से जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो जो आरोप लगा रहे हैं कि इस बार का जो टिकट जो है वह पैसे पर बेचा गया है, साफ तौर पे अनिल कुमार से हमने बातचीत की, उन्होंने कह दिया है कि इस बार जो है पार्टी टिकट नहीं दी तो क्या हुआ, लेकिन पार्टी जो कुछ मेरे साथ की है वो जनता जान रही है, और हम निर्दलीय इस बार विक्रम से ताल ठोकेंगे और जीत भी दर्ज कराएंगे। कुछ लोगों ने भी कहा कि ये जो टिकट बांटा गया है इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक जो है दो भागों में बढ़ जाएगा, एक तरफ अनिल शर्मा है तो दूसरी तरफ अतुल कुमार है। तो फिलहाल इतना ही, जुड़े भारत लाइव के साथ, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।